हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जिम ही लाइफ। दोस्तों, बहुत सारी रिक्वेस्ट और कमेंट्स आए कि सर, लोअर अब्डोमिनल फैट, जो पेट के नीचे वाली फैट है, उसे कम करने के लिए आप कुछ एक्सरसाइजेस बताएं। तो आज हम आपको वो एक्सरसाइजेस करके दिखाएंगे। और अगर आपको हमारा चैनल, हमारी इन्फॉर्मेशन, एक्सरसाइजेस अगर अच्छी लग रही हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि कैसी आपको वीडियोस, एक्सरसाइजेस, इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते मैं थाईलैंड गया था, तो थाईलैंड में जितना भी थाईलैंड को एक्सप्लोर मैंने किया, वो आपके साथ वीडियो, गार्डन्स, मंदिर, डॉल्फिन शो, ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें बच्चों को अच्छी लगी, वो ऐसी वीडियोस बनाई और आपसे शेयर की। मैंने अपने लाइफ का एक पार्ट आपके साथ जो मैंने एंजॉय किया, वो आप भी एंजॉय कर सकें उस वीडियो के माध्यम से। तो वो वीडियो आपको शेयर करी, उनके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वो कैसी वीडियोस अच्छी लगी या नहीं लगी। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आइए चलते हैं कि हम लोअर बेली फैट को कैसे कम करें। बहुत सारी आपने एक्सरसाइजेज देखी होंगी, मगर कुछ नया आपके लिए मैं आज लेके आया हूँ। तो सबसे पहले आपने वॉकिंग करनी है। वार्म अप करने के बाद तो आपने सीधे अपने योगा मैट पर लेट जाना है। मैक्सिमम आप पैर जितने भी आप नी जॉइंट फोल्ड करके अपने एंकल्स को पकड़ लें और डीप इनहेल ब्रीद आउट, डीप इनहेल और ब्रीद आउट करके, ब्रीद आउट करके अपने अब्डोमिनल कोर को टाइट कर लेना है। और मैक्सिमम ऐसे आप 20 से 30 रेपिटेशन कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के साथ आपके बहुत ज्यादा बेनिफिट होंगे, आपको बहुत ज्यादा। इससे आपके बटक की जो शेप है, जो लोअर थाई हैमस्ट्रिंग मसल और बटक पर जो एक गंदा फैट कलेक्ट हो जाता है, वो ठीक होगा। बैक पेन की समस्या ठीक होगी, टेल बोन की जो पेन है जिन लोगों को, वो ठीक होगी और आपका अबडोमिनल जो फैट है वो भी कम होगा। टेक्निक यही है कि आपने ब्रीथ आउट करके फिर अपनी बॉडी को लिफ्ट करना है। इनहेल किया और ब्रीथ आउट, वन ब्रीथ आउट करके, ब्रीथ लेना नहीं है, अब्डोमिन आपका अंदर हो। ये ना कि अब्डोमिन ऐसे फूल जाए और आप सांस बाहर निकाल लेना और ऐसे कर रहे हैं, फिर आपको अब्डोमिनल का फैट रिड्यूस होने का बेनिफिट नहीं होगा। हाँ, बैक पेन जो है और बटक हैमस्ट्रिंग पर जो फैट है वो भी रिड्यूस होगा। अब चलते हैं सेकंड एक्सरसाइज। आपने सीधे लेट जाना है और अपनी एक लेग को उठाया बिल्कुल 90 डिग्री और राइट साइड फ्लोर पर टच कर दिया। ऐसे उठाकर लेफ्ट साइड फ्लोर पर टच कर दिया। कोशिश करना है कि दोनों हाथ, दोनों शोल्डर आपके जमीन पर लगे रहे। तो ऐसे आपने ब्रीद आउट, ब्रीदिंग की टेक्निक सेम रहेगी। तो ऐसे आपने धीरे धीरे 30 रैप करने हैं, 30 रेपिटेशन, 10 रेपिटेशन करके 10, फिर आप लेफ्ट लेग से कर दें ब्रीद आउट, फिर 10 आप राइट लेग से कर दें, फिर 10 लेफ्ट, फिर 10 राइट से, 10 लेफ्ट से, ऐसे 30 रेपिटेशन आप कर रहे हैं। अगर आपको बैक पेन है तो वो लोग, वो जो दर्शक हैं या वो जो स्टूडेंट जो सीख रहे हैं, वो फिर धीरे धीरे करें, फास्ट ना करें। अगर आपको बैक पेन की समस्या है तो फिर आप क्या करें, अगर बैक पेन है तो आप यहाँ अपनी लेग को ऐसे रखें और स्ट्रेचिंग करें बस। इससे क्या होगा, आपकी जो साइड वाली ओब्लिक मसल पर
यहाँ जो फैट है और लोअर अपडोमन की फैट है वो भी कम होगी और बैक पेन की जो समस्या है, शटिका की जो समस्या है वो भी ठीक होगी इन्हीं एक्सरसाइजेस के साथ। तो ये दो एक्सरसाइज आपको बताई, आप अपना वर्कआउट करके सैर करें, योगिंग करें, थोड़ी सी कार्डियो एक्सरसाइजेस करें। जो लास्ट वीडियो में जितनी भी एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई है, समझाई है, सिखाई है, वो करने के बाद इन एक्सरसाइजेस को आप अगर करेंगे तो आपका लोअर अबडोमिनल जो फैट है वो रिड्यूस होगी। और भी बहुत सारी एक्सरसाइज है तो कमेंट में हमें बताएं ये एक्सरसाइज आपको कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी तो नेक्स्ट एपिसोड में आपको और दो तीन एक्सरसाइजेस मैं बताऊंगा, समझाऊंगा और गाइड करूंगा। थैंक यू दोस्तों, अलविदा, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।